ओरायन बेल्ट के तीन तारों का दुनिया भर में बने प्राचीन स्मारकों के साथ एक गहरा संबंध है। हो सकता है इस संबंध का कारण ओरायन नक्षत्र से आए एलियंस हों। ओरायन नक्षत्र के कोऑर्डिनेट्स का 7000 साल पहले रेत और पत्थरों से बना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये बात बिल्कुल साफ है कि उन्हें ग्रह नक्षत्रों के बारे में काफी एडवांस नॉलेज थी, और कुछ भूली बिसरी सभ्यताओं का तारों के झुंड से आए विजिटर्स के साथ संपर्क होने के सबूतों का पाया जाना। ओरायन सारी प्राचीन सभ्यताओं के लिए बहुत मायने रखता है। हो सकता है हम वहीं से आए थे और मरने के बाद वहीं जाएंगे। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर हाँ, तो क्या वो ऐसे सबूत छोड़ गए हैं जिससे ये साबित हो जाए कि हमारी आखिरी मंजिल ओरायन नक्षत्र है? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज। जनवरी 2006 हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने अंदर ओरायन नेब्यूला का पहले कभी ना दिखने वाला नजारा कैद किया था। पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स दूर ओरायन नेब्यूला में बहुत बड़े पैमाने पर स्टार फॉर्मेशन हो रहा था। इस दूर से कैद किए गए नजारे में 3000 से भी ज्यादा तारे दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर हैं। टेलीस्कोप से ली गई इसकी तस्वीर में शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड में पाए गए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स की बनावट के बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिला। आधुनिक वैज्ञानिकों के मुताबिक करोड़ों साल पहले इसी रहस्यमयी धूल और गैस के बादल में कई तारे और ग्रह पैदा हुए थे। एस्ट्रोनोमर्स यूजुअली इसे M42 कहते हैं। बहुत ही बोरिंग नाम है, पर ये तारों की नर्सरी है। यहाँ तारे जन्म लेते हैं, इसलिए ओरायन के इस हिस्से को एस्ट्रोनॉमर्स बहुत स्टडी करते हैं। ओरायन नेब्यूला में स्टार्स का फॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। यंग स्टार्स जन्म लेते हैं और शायद कई यंग प्लैनेट्स भी जन्म लेते हैं। ये सभी स्टार्स और प्लैनेट्स गैस और डस्ट के मिलने से फॉर्म होते हैं। वहाँ स्टार्स जन्म लेते हैं तो इसका मतलब वहाँ कुछ ऐसा होता है जो अभी तक हमारी साइंस और एस्ट्रोनॉमी के समझ से बाहर है। रात को पृथ्वी से ओरायन नक्षत्र के सारे तारे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। इस ओरायन नक्षत्र को हजारों सालों से दुनिया भर की कई सभ्यताओं का मान सम्मान मिलता आया है। इसका नाम ईसा पूर्वी की 8वीं सदी के ग्रीक डेमीगॉड पर रखा गया है। जब इस नक्षत्र के तारों को जोड़ा जाता है तो एक इंसान का सर, कंधे, बेल्ट और पैर बनते हैं। ओरायन आसमान का सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र है। मुझे लगता है बिग डीपर के बाद वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इक्वेटर के पास है। वो विंटर में दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे ब्राइट स्टार्स हैं और एक बड़ा सा स्क्वायर जो कि ओरायन की बॉडी है। उस नक्षत्र के तीन मेजर स्टार्स है, आलनी लाम, आलनी ताक और मीन ताक। ये ओरायन के बेल्ट स्टार्स है। लोग आसमान में एक रो में तारों को देख कर ओरायन नक्षत्र को पहचानते हैं। यूनानी कथाओं के मुताबिक ओरायन एक बहुत ही विशाल आकार वाला मनुष्य था जिसमें बहुत सारी अद्भुत ताकतें थी। वो एक बहुत ही अच्छा शिकारी था जो अपने कांसे से बने हथियार से जानवरों को मारता था। जब उस ग्रीक हीरो को मार दिया गया तो उसे अनंत काल के लिए तारों के बीच जगह दे दी गई थी। कहा जाता है कि समुद्र देव पोसाइडन उसके पिता थे, इसलिए शायद उसे समुद्र के बारे में सब पता था और शायद पोसाइडन ने ही ओरायन को पानी पर चलना सिखाया था। एक दूसरी कहानी में कहा गया है कि ओरायन इतना बड़ा था कि जब वो ओशियन में चलता था तो उसका सर और उसका शोल्डर पानी के ऊपर रहते थे। लगभग सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को ग्रीक मैथोलॉजी के गॉड्स का नाम दिया गया है।
ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिनमें तारों का जिक्र है। उन्हें उनके नाम कैसे मिले इसका जिक्र है। ग्रीस की कथाओं में तारों का और अंतरिक्ष में पाई जाने वाली चीजों का जिक्र ऐसे किया गया है मानो वो स्पेस की नहीं भगवानों के रहने की जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओरायन को प्राचीन सभ्यताओं में खासकर इजिप्शियन सभ्यता में लंबे कदम भरकर चलने वाला इंसान कहा जाता है। ग्रीक्स के लिए ओरायन शिकारी था और बाकी कई सभ्यताएं उसे एक राक्षस मानती थीं। किसी कहानी में वो दुश्मनों को मसल रहा है तो किसी कहानी में सांपों को कुचलकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सभी सभ्यताओं की कहानी में उसे इंसान की तरह ही दर्शाया गया है। ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि ओरायन जैसा कैरेक्टर एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग ही था, क्योंकि ग्रीक्स की सभ्यता कोई ज्यादा पुरानी नहीं थी। उनकी सभ्यता की जो पौराणिक कथाएं थी वो एंशियंट हिस्ट्री से सिर्फ थोड़ी ही पुरानी थी। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है कि ओरायन एक इंसान था जिसे अनंत काल के लिए तारों में जगह दी गई थी, या फिर उसे और उसके शरीर के हिस्से माने जाने वाले तारों को पूजे जाने का कोई और कारण था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस सवाल का जवाब हमें नाइल नदी के पास बसी एक ऐसी सभ्यता की कहानियों से मिल सकता है जो ग्रीक से 2000 साल पुरानी थी। मिश्र की प्राचीन कथाओं के मुताबिक भगवान ओरायन बेल्ट स्टार्स और आसमान के सभी तेज चमकने वाले तारे सीरियस से पृथ्वी पर आए थे। प्राचीन इजिप्शियंस ये मानते हैं कि सीरियस और ओरायन से इंसानी रूपी जीव पृथ्वी पर आए। उनके नाम थे ओसायरिस और आइसिस और उन्होंने यहाँ ह्यूमन रेस की शुरुआत की। और ये बात हमारे एस्ट्रोफिजिक्स की कही हुई बात से मेल खाती है कि हम स्टार्स के प्रोडक्ट हैं, मतलब हमारी प्रजाति की शुरुआत स्टार से हुई थी। सीरियस और ओरायन बहुत मायने रखते हैं क्योंकि वो आइसिस और ओसायरिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहा जाता है कि इन दोनों भगवानों में सारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन और अल्टीमेटली पूरी मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। तो प्राचीन इजिप्शियंस के लिए ओरायन ही ओसायरिस है। ओरायन नक्षत्र महान मिस्र देव ओसायरिस का प्रतीक है और वो हमेशा आसमान में हमारे सिर पर रहता है और हम पर नजर रखता है, क्योंकि प्राचीन मिस्र वासियों के मुताबिक एंड में ओरायन नक्षत्र में रहने वाला ओरायन ही डिसाइड करता है कि हमें अमर होना चाहिए या मरकर फिर से कहीं और दूसरा जन्म लेना चाहिए। ओरायन हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। एंशियंट इजिप्शियन को इस बात का पूरा यकीन था कि ओरायन क्रिएशन से लिंक्ड था, खास तौर पर मैजिकल क्रिएशन से। तो अगर हम अपने पूर्वजों की बात मान लें तो मैथोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम इजिप्ट मैथोलॉजी में झांक कर ओरायन को करीब से समझ पाएंगे। ओरायन के पास ऐसे पावर्स थे जिनसे वो मैजिकल क्रिएशन करता था, और उस समय मैजिक पावर्स वाले लोगों को भगवान माना जाता था। प्राचीन इजिप्शियंस के लिए ओरायन और ओसायरिस एक ही है। इजिप्शियंस मानते थे कि एक दिन ओसायरिस ओरायन से पृथ्वी पर लौट आएंगे। हर प्राचीन सभ्यता में ये कहा गया है कि कोई न कोई एक दिन लौट कर आने वाला है, लेकिन अब तक तो कोई लौट कर आया नहीं है। क्या इजिप्ट की पौराणिक कथाओं में लिखी कहानियां इस बात का सबूत है कि मानव प्रजाति का ओरिजिन तारों में हुआ था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं। अगर ये वाकई सच है तो क्या पृथ्वी पर इस बात के और सबूत हैं? शायद हाँ। पिरामिड्स की दीवारों पर 2400 ईसा पूर्व में नक्काशी करके लिखी गई पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्राचीन मिश्र बादशाह उनास ने मिस्र पर 30 सालों तक राज किया और फिर वो मरकर ओरायन नक्षत्र में जाकर बस गए। पिरामिड पर लिखे टेक्स्ट के मुताबिक ओनस के अंदर अपने दुश्मनों का यानी दूसरे इंसानों का फ्लैश खाकर बहुत सारी पावर्स आ गई थी, फिर वो भगवान माने जाने वाले जीवों को काटकर खाने लगा। कहा जाता है कि उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि महान और शक्तिशाली लोगों का मांस खाने से उनकी शक्तियां उनमें आ जाती हैं जिन्हें उन्होंने खाया होता है। तो भगवानों को खाने के बाद और उनकी आत्माएं और पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ओनस आसमान के सफर पर निकल पड़ा। उसकी मंजिल थी ओरायन। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है
कि पिरामिड टेक्स्ट पर लिखी गई कहानियां मन ग्रंथ नहीं बल्कि सच्ची थी। और क्या बादशाह उनास सचमुच अंतरिक्ष में गए थे? अगर हाँ तो कैसे? अगर हम प्राचीन इजिप्शियंस की बातों और कहानियों पर गौर करें तो उनसे साफ पता चलता है कि उन्होंने पिरामिड को समाधि के तौर पर नहीं बनाया था, बल्कि वो अंतरिक्ष में जाने का जरिया था। बादशाह उसमें इंसानी रूप में कदम रखता था और पिरामिड की एंशिएंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से बादशाह भगवान में ट्रांसफॉर्म हो जाता था और उस रूप में वो स्पेस में तारों के पास जा सकता था और वहां से लौटकर वापस पिरामिड में ट्रांसफॉर्म होकर वो इंसान बन जाता था। वो पिरामिड एक तरह से लॉन्चिंग पैड थे जिससे इजिप्ट के बादशाह स्पेस में आने जाने के लिए यूज किया करते थे। उन्होंने पिरामिड को इस तरह बनाया था जिससे बादशाहों की आत्मा ओरायन नक्षत्र तक पहुंच सके। क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट के बादशाह पिरामिड्स के जरिए ओरायन नक्षत्र के तारों में किसी से मिलने जाते रहते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट को तो ऐसा ही लगता है और उनका मानना है कि इस बात के सबूत हमें ग्रेट पिरामिड में बने एयर शाफ्ट से मिल सकते हैं। ग्रेट पिरामिड के एयर शाफ्ट्स सीधा ओरायन और सीरियस की तरफ इशारा करते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ग्रेट पिरामिड पूरा गिजा प्लेटियो एयर शाफ्ट्स की अलाइनमेंट किंग और क्यून चैम्बर्स सभी ओरायन की तरफ पॉइंट करते हैं। तो हो सकता है कि ये सब चीजें हमें ये बता रही हैं कि एलियंस ओरायन नक्षत्र से आए थे। आप ही सोचिए कि गीजा के तीन पिरामिड्स का ओरायन बेल्ट के तीनों तारों के साथ स्पेशल अलाइनमेंट क्यों है? है ना ये दिलचस्प बात? इससे तो यही पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है कि ओरायन ही गीजा के पिरामिड में बन रहे टारगेट का फाइनल डेस्टिनेशन था। वो वही चाहते थे। ग्रेट पिरामिड में ऐसे एयर शाफ्ट्स क्यों बनाए गए हैं जो ओरायन नक्षत्र से अलाइंड हैं? क्या वो एयर शाफ्ट्स किसी तरह के इंटरगैलेक्टिक गेटवे थे जिससे पृथ्वी से ओरायन नक्षत्र में जाया जा सकता था? अगर ये सच है तो ये भी सच हो सकता है कि एलियंस ही हमारे असली पूर्वज हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे संबंधित सबूत हमें नूबियन रेगिस्तान के बीचों बीच मिल सकते हैं। यहाँ कुछ शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने मेगालिथिक यानी विशाल पत्थरों से बने कॉम्प्लेक्स की खोज की जो ओरायन की तरफ इशारा करता है। दक्षिण मिस्र कैरो से 800 किलोमीटर दूर सहारा रेगिस्तान के पूर्वी इलाके में एक उजड़ी हुई सुनसान जगह पर एक रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल साइट है। उसका नाम है नबाटा प्लाया। इसकी खोज 1974 में हुई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर मौजूद मेगालिथिक स्टोन्स कभी एक प्राचीन सभ्यता के बहुत ही विशाल और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल सेंटर का हिस्सा थे। ये प्राचीन सभ्यता मिस्र सभ्यता के पहले एग्जिस्ट करती थी 6004 से लेकर 3400 ईसा पूर्व के बीच। इजिप्शियन डेजर्ट के इस हिस्से में सहारा में प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, लेकिन नबाटा प्लाया अलग है। वो कोई प्राचीन शहर नहीं था, वो दरअसल एक सेरेमोनियल साइट है और वो बहुत रहस्यमय है। उसमें बहुत अजीब चीजें हैं। उसके सेंटर में एक सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर है, उसे डेजर्ट का मिनी स्टोनहेंज कहा जाता है। ये सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर और उसका ओरायन के बेल्ट स्टार्स के साथ का अलाइनमेंट 30 सालों से भी ज्यादा समय से आर्कियोलॉजिस्ट को असमंजस में डाले हुए है। वो आज भी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात का यकीन है कि नबाटा प्लाया के बिल्डर्स को फिजिक्स की जानकारी थी और वो मैथमेटिक्स को भी समझते थे और जिस तरह से उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाए थे उससे ये बात भी साफ है कि उन्हें ग्रह नक्षत्रों के बारे में काफी एडवांस नॉलेज थी। इंजीनियर रॉबर्ट बाउवल और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थॉमस ब्रॉफी 10 सालों से इस रहस्यमय स्मारक को स्टडी कर रहे हैं। अपने किताब ब्लैक जेनेसिस में उन्होंने कहा है कि स्टोन सर्कल एक स्टार व्यूइंग डायग्राम है जो ओरायन के बेल्ट स्टार से अलाइन होता है जब समर सोल्स्टाइस होता है, यानी वो समय जब सूरज इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूर हो। छोटा सर्कल
कैलेंडर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और बड़े पत्थर स्टार्स की तरफ पॉइंट करते हैं। कैलेंडर सर्कल उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है जिससे पता चलता है कि आसमान में लॉन्ग टर्म में क्या बदलाव आते हैं। अभी हमारे सामने है नाब्दा प्लेया के कैलेंडर सर्कल का छोटा मॉडल जो हमने बनाया है। असल में ये स्टोन्स हमारे घुटने तक आते हैं और इस पूरे सर्कल का डायमीटर 12 फीट तक होगा और इसमें दो दो गेट्स हैं सर्कल के बाहरी हिस्से में और ये गेट उस तरफ पॉइंट करता है जहां से समर सोल्स्टिस का सूर्य उगता है। मेनस्ट्रीम साइंटिस्ट ने ढांचे में पाए गए रेडियो कार्बन की जांच करके ये अनुमान लगाया है कि इस साइट को 7000 साल पहले बनाया गया था। इस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए ब्रॉफी ने गेट्स की पोजीशनिंग की और डेंट्रल स्टोन्स की अच्छी तरह जांच की। इस जांच के दौरान उन्होंने ये पाया कि 4900 ईसा पूर्व में इस स्टोन सर्कल के 3 सेंटर स्टोन ओरियन नक्षत्र के 3 बेल्ट स्टार्स के साथ अलाइन हुए थे। अगर हम उस समय आसमान में देखते तो ये जो 3 स्टोन्स हैं, इनकी पोजीशनिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस समय आसमान में ओरियन के 3 बेल्ट स्टार्स की थी। मानो ये स्टोन सर्कल आसमान के ओरियन नक्षत्र और उसके तारों का डायग्राम हो। क्या कुछ शोधकर्ताओं का ये मानना सही है कि 7000 साल पहले नाब्दा प्लेया के 3 पत्थरों की पोजीशन बिल्कुल ओरियन बेल्ट के तारों जैसी थी और वो भी तब समर सोल्स्टिस होने ही वाला था? अगर हाँ तो इसका कारण क्या है और प्राचीन मनुष्य ने इस नक्षत्र का इतना एडवांस्ड डायग्राम कैसे बनाया था? और अचानक 3400 ईसा पूर्व में नाब्दा प्लेया में रहने वाले गायब क्यों हो गए थे? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वो यहां से 100 किलोमीटर दूर जाकर बस गए थे, वहीं जहां ईसा पूर्व की 4th सदी में मिस्र की नाइल वैली सिविलाइजेशन उभरी थी। नाब्दा प्लेया की एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड बनाने वालों की एस्ट्रोनॉमी से मैच करती है। अचानक हमें लगा हमें पिरामिड बनाने वाली सिविलाइजेशन से भी हजारों साल पुरानी इस सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। हम उन्हें स्टार पीपल कहते हैं। हमें पता नहीं वो कहां से आए थे। इतना जानते हैं कि वो सहारा में पिरामिड बिल्डिंग सिविलाइजेशन के पहले एग्जिस्ट करते थे। हम उनके ओरिजिन्स को ट्रैक करने लगे और उसे ट्रैक करते करते हम इजिप्ट के एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में पहुंच गए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें वहां उनकी एग्जिस्ट करने के सबूत मिले। वो अपने गुफाओं में पेंटिंग्स बनाकर गए हैं। पेंटिंग्स के कुछ फिगर्स बहुत स्ट्रेंज हैं। वो स्टार पीपल लंबे थे, पतले थे और उनका सर बहुत अजीब दिखता था। अब ये पता नहीं कि ये कोई आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था या वो वाकई ऐसे दिखते थे। ये स्टार पीपल कहे जाने वाले लोग कौन हैं? ओरायन का एग्जैक्ट लोकेशन इनके लिए इतना ज्यादा मायने क्यों रखता था? क्या वो कोई एडवांस्ड सभ्यता थी जो वक्त के साथ विलुप्त हो गई है, या फिर नाब्दा प्लेया में रहने वाले ये स्टार पीपल असल में आसमान की दुनिया से आए थे? शायद हमारा ओरायन नक्षत्र के बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है और वो ज्ञान हमें इस एस्ट्रोनॉमिकली एडवांस्ड प्राचीन सभ्यता से मिल सकता है। सेंट्रल मेक्सिको। मेक्सिको शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर टियोटिहुआकन के अवशेष मौजूद हैं। ये प्राचीन शहर 18 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ 15 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ के बेमिसाल ढांचे, जिनमें 2 विशाल पिरामिड और 1 मंदिर शामिल है, इन्हें ईसा पूर्व की 2 सदी में मायन सभ्यता ने बनाया था और इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीजा की तरह ये स्मारक भी ओरायन बेल्ट के 3 तारों की तरफ इशारा करते हैं। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, टियोटिहुआकन की पिरामिड का लेआउट ओरायन बेल्ट से हूबहू मैच करता है। मायंस ओरायन बेल्ट को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे। वो उसे पॉइंट ऑफ क्रिएशन मानते थे। कहा जाता है कि 3114 ईसा पूर्व में भगवान स्वर्ग से पृथ्वी पर ज्ञान देने आए थे और उन्होंने टियोटिहुआकन में सबको ज्ञान दिया था। दुनिया भर के कई मॉन्यूमेंट्स ओरायन बेल्ट से इंस्पायर्ड हैं। सरप्राइजिंगली उनमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स न सिर्फ जमीन पर ओरायन बेल्ट की इमेज क्रिएट करते हैं बल्कि उनके मेजरमेंट्स की प्रोपोर्शन भी ओरायन से मैच करते हैं।
ओरायन बेल्ट से सभी स्ट्रक्चर्स और सभ्यताओं का गहरा संबंध है, पर वो अब तक रहस्य हैं। लेकिन दो अलग अलग सभ्यताएं जो एक दूसरे से कोसों दूर बसी हैं, वो ओरायन की तरफ पॉइंट करने वाले एक जैसे स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि मायंस और इजिप्शियंस दोनों एक ही नक्षत्र को पूजते थे, या वाकई ओरायन का मानव जाति के जन्म के साथ कोई गहरा संबंध है? शायद आसमान से आई कोई एडवांस सभ्यता पृथ्वी पर फैली सभ्यताओं को गाइड करके उनसे स्ट्रक्चर्स बनवाती थी, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर जगह जगह ओरायन से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। कोई तो था जो पूरी पृथ्वी की अलग अलग सभ्यताओं को ओरायन नक्षत्र के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताता था। मेरा तो ये मानना है कि पृथ्वी की कई स्ट्रक्चर्स ओरायन से इसलिए अलाइंड हैं क्योंकि ओरायन से एलियंस आए थे और उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स अपनी निगरानी में बनवाए थे। उन्होंने ये इसलिए किया होगा ताकि मानव सभ्यता ओरायन को हमेशा याद रखे और ओरायन से अलाइंड रहने से मानव सभ्यता को उससे एनर्जी भी मिलती रहे। क्या इजिप्ट और सेंट्रल अमेरिका में बने स्मारक इसलिए बनाए गए थे ताकि मानव सभ्यता ये याद रखे कि उनकी शुरुआत आसमान में ही हुई थी, या ओरायन के साथ किए गए अलाइनमेंट के पीछे कोई और रहस्यमय कारण था? शायद इन्हें सिर्फ तारों से आए पूर्वजों को इज्जत देने के लिए ही बनाया गया था, बल्कि उनसे भविष्य में जुड़ने के लिए भी बनाया गया था। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं और उनका कहना है कि इसका सबूत हमें मिल सकता है दुनिया के दूसरे कोने में, एक ऐसे इलाके में जिसे सभ्यताओं की विकास भूमि कहा जाता है। उत्तरी इराक सन 1849। टिग्रिस नदी के पूर्वी तट पर सिटी ऑफ मोसूल के पास ब्रिटिश म्यूजियम के पुरातत्व की टीम को हजारों की मात्रा में क्ले टैबलेट्स मिली जिनमें किलाक्षर लिपि लिखी हुई थी। टीम का मानना था कि ये 7th सेंचुरी बीसी में बेबीलोनियन प्रीस्ट ने लिखे होंगे। उन्हीं टैबलेट्स में से वो रहस्यमयी अवशेष पाए गए जिन्हें बेबीलोनिया स्टार कैटलॉग्स माना गया। प्राचीन लिपि के अनुवादों के मुताबिक इन टैबलेट्स में खगोलीय पिंडों की गतिविधि की स्पष्ट जानकारी है जिन्हें आज हम राशि चक्र कहते हैं। आज हमारे पास बेबीलोनिया के इतिहास के बारे में बहुत जानकारियां हैं और उसकी वजह है ढेर सारी खुदाई और यूनिफॉर्म टेक्स्ट को समझना जो उस सभ्यता के बारे में भारी मात्रा में मिले हैं। उनकी जिंदगी में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था और उनके धर्म की सबसे जरूरी बात थी ग्रहों के देवताओं और अलग अलग कॉन्स्टिलेशन के प्रति समर्पण भावना। तो वो उस धर्म को मानते थे जिसे हम कह सकते हैं कॉस्मिक रिलीजियन। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इन क्ले टैबलेट से ये भी पता चलता है कि प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता को खगोलीय ज्ञान स्टार ट्रैवलर से मिला था। द बेबीलोनियन स्टार कैटलॉग में हमें कमाल की जानकारियां मिली जिसमें एक्यूरेट मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ग्रहों के बीच दूरियां, ऐसे रहस्यमय ज्ञान जो एक प्राचीन सभ्यता को पता होना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए सवाल अपने आप में पैदा हो जाता है कि उन्हें यह इन्फॉर्मेशन मिली कहां से और इसका इस्तेमाल वो क्यों करते थे? क्या उन्हें यह जानकारी किसी दूसरे ग्रह से आए जीवों ने दी जिन्हें वो ईश्वर समझते थे? बाकी सभी प्राचीन सभ्यताओं की तरह बेबीलोनियंस ने भी ओरायन को एक कॉन्स्टेलेशन और सबसे महान बताया। उन्होंने जो लिखा है उसमें ओरायन को उन्होंने एक लॉयल शेपर्ड ऑफ हेवन और चीफ गॉड ऑफ हेवनली रियल्म्स माना है। क्या इन रिकॉर्ड्स को हम प्राचीन इंसान और दूसरे ग्रह से आए लोगों के रिश्तों का एक ठोस सबूत नहीं मान सकते? बेबीलोनियन सभ्यता के लोग इस ओरायन कॉन्स्टिलेशन को कहते थे सिपाजी अन्ना, जिसका मतलब था शेपर्ड ऑफ अनु, जिसका अर्थ हम मानते हैं स्वर्ग के धर्मगुरु, क्योंकि अनु को स्वर्ग के ईश्वर के रूप में देखा गया है। अगर हम और पीछे जाएं तो हमें
ओरायन का पुराण रूप देखने को मिलेगा, जिसमें वो एक पक्षी जैसे दिखते हैं, जो एक संदेश वाहक होने का इशारा है। पक्षी का फिगर पत्थरों पर ठीक धर्मगुरु के फिगर के पीछे बना हुआ था। उसकी ये पोजीशन इस तरफ इशारा करती है कि हो सकता है उसका काम पृथ्वी से ओरायन के लिए संदेशों को लाना और ले जाना था। पर सवाल ये था कि वो ये काम करता कैसे था? क्या ये सब हमें सिंबोलिकली लेना चाहिए? क्या ये मुमकिन है? जो हमें दिख रहा है वो एक बहुत ही बेसिक डिस्क्रिप्शन है उनके इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन डिवाइस का। क्या बेबीलोनियन स्टार कैटलॉग में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनमें धरती का चक्कर लगाते एंशियंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस स्टेशन की बात कही है, और जिनमें एंशियंट एलियंस थे जो ओरायन से आए थे? क्या ये मुमकिन है कि बेबीलोनियन ईश्वर दरअसल ओरायन से आए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैसेंजर थे? अगर ऐसा था तो क्या ये हो सकता है कि अंतरिक्ष से आए उन लोगों ने यहाँ जिंदगियां बसाई इस फर्टाइल क्रीसेंट में, जहां सभ्यता की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी? बेबीलोनियंस ने इंसानों के पत्ते के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर उनमें असमानताएं भी हैं। पर बेसिक बातें जो आपको सभी बेबीलोनियंस में मिलेंगी वो ये थी कि ईश्वर बहुत सोना चाहते थे, साथ ही उन्हें बहुत सारा खाना चाहिए था, पर वो खुद के लिए काम करके खुद के लिए खाना तैयार करके थक चुके थे। इसीलिए उन्होंने ताकतवर जीव बनाए जो कि इंसान कहलाए, ताकि वो ईश्वर के लिए काम कर सके। मेसोपोटामिया के पास ही एक सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। ये उन जगहों में से एक जहां सबसे पहले एंशिएंट एलियंस आए थे, ताकि वो इस ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत कर सकें। वो सभ्यता जो बढ़कर सुमेर और बेबीलोनियन की सभ्यता बनी। अगर आप सुमेरियन हाइरोग्लिप्स और इजिप्शियन हाइरोग्लिप्स पर नजर डालें, साथ ही माया की कहानियां सुने, आप इन सभी कल्चर्स पर गौर फरमाएं तो आपको ये नजर आएगा वो होगी एक ही कहानी, पर अलग अलग तरह से बताई गई और अलग अलग भाषाओं में। तारों की दुनिया से आने वाले यहां आए और उन्होंने ही सभ्यता की शुरुआत की। बेबीलोन की शुरुआत की कहानियां जो इन सभ्यताओं से मिली हैं, क्या एक जबरदस्त सबूत है ओरायन कॉन्स्टेलेशन से हमारे पवित्र रिश्तों का? और अगर ऐसा है तो क्या यही वजह है कि ओरायन की बेल्ट के तारे उसकी नाभि से ऊपर हैं? वो नाभि जहां से प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना था कि इंसान की उत्पत्ति हुई है। कई प्राचीन सभ्यताओं का मानना है कि ओरायन की बेल्ट से जिंदगी की शुरुआत हुई। मायंस या फिर इजिप्शियंस कहिए, इन सभी सभ्यताओं का यह मानना था कि जिंदगी की शुरुआत और उसका अंत ओरायन की बेल्ट से होकर गुजरने से होता है। आप कह सकते हैं ये जिंदगी की शुरुआत करता था जो यहाँ धरती पर होती थी, पर उस ओरायन कॉन्स्टेलेशन की वजह से। ऐसा लगता है तब से ये धारणा फैली हुई थी उन प्राचीन लोगों के बीच, जिसमें उन्हें लगता था कि ओरायन गैलेक्सी के दिल में बसा है। और मुझे लगता है एक नया सवाल जिसका जवाब ढूंढना था वो था ये, क्या ये मुमकिन है कि किसी तरह इस स्टार्स की बर्थ प्लेस से हमें ब्रह्मांड में मौजूद उन दूसरे जीवों से संपर्क करने में मदद मिल सकती है? अगर ओरायन नेबुला को एक स्टार की नर्सरी माने तो क्या ये मुमकिन है कि ओरायन के बेल्ट स्टार्स ही गैलेक्सी की वो जगह है जहां से धरती पर जिंदगी की शुरुआत हुई? और अगर हम ओरायन से आए हैं जैसा कुछ सभ्यताएं मानती हैं, तो हो सकता है कोई तो रास्ता होगा जिससे हम उन दूसरे जीवों को यहाँ बुला सकें। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के लिए ये मुमकिन था, और इसका सबूत है ओरायन के तारों जैसी ही एक बनावट जो है अमेरिकन साउथवेस्ट में। ब्लैक मेसा, नॉर्थ ईस्टर्न एरिजोना। यहां की नेटिव अमेरिकन होपी ट्राइब कोलोराडो प्लेटो की इन पहाड़ियों में हजारों सालों से भी पहले से बसे हुए हैं।
एरिजोना डेजर्ट से कहीं ऊपर इनका इलाका 15 लाख एकड़ से भी ज्यादा में फैला है, जिसमें 12 गांव शामिल हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट ने इस रहस्यमय जगह का सालों तक अध्ययन किया, जहां उन्हें ऐसी चीजें पता चली जिन्हें वो प्राचीन इतिहास में इस जगह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से जुड़े होने के सबूत के तौर पर देखते हैं। उनकी रिसर्च के मुताबिक होपी लैंडस्केप और ट्राइब की माइथोलॉजी दोनों ओरायन पर केंद्रित थी। होपीस ने यहां से साउथ वेस्ट की ओर पलायन कर लिया था। कई गांव को बनाने के बाद फिर उन्हें छोड़कर वो पहुंच गए थे इन तीन प्राइमरी मिसेज यानी पठार पर जो नॉर्दर्न एरिजोना में थे। उन्होंने इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिसेज कहा। होपी मेसास ओरायन बेल्ट की इमेज बनाते थे और ये माना जाता है कि इस शेप की वजह से ही होपी खास तौर पर यहाँ आए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि होपीज की ओरायन बेल्ट में बहुत ही दिलचस्पी थी। ये उनके ब्रह्मांड का केंद्र था और उनका मानना था कि वो यहाँ से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये तीन मिसास ही ओरायन की बेल्ट की तारों से मेल नहीं खाते, पर जब पूरे साउथ वेस्ट में दूसरी होपी लैंडमार्क्स को जोड़ा गया तो इन सभी को मिलाकर ओरायन कॉन्स्टिलेशन का पूरा शरीर बन जाता है। कॉन्स्टिलेशन का हर बड़ा तारा या तो खंडहरों की साइट था या फिर वो गांव था जहां फिलहाल होपी रह रहे थे। मिसाल के तौर पर ओरायन का बायां कंधा वो जगह थी जिसका नाम था वो पार्ट की जो फ्लैट स्टैफ एरिजोना के नॉर्थ में थी। उन्होंने इस जगह को 1120 एडी में बनाया था। वो यहाँ रहे करीब एक सदी तक, फिर वो इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। एक और जगह जिसे कहते हैं होमोलवी रुइन, जो विंस्लो एरिजोना के पास ही है, जो ओरायन के दाएं कंधे की जगह पर ही है और स्टार बीटलजूस के। होपी इन पत्थरों के उत्तर में भी बसे थे जो मेल खाता है स्टार राइजल से। और ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जो ओरायन के दाएं पैर से मेल खाते हैं जो स्टार साइफ है। देखिए, है ना, ये एक मिरर इमेज जो आकाश में है वही धरती पर है। होपी भी यही हासिल करना चाहते थे जब उन्होंने इस पैटर्न को बनाया, और इसे बनाने में उन्हें करीब 3 सदियां लग गई। पर होपी पूर्वजों ने अपने घरों और पवित्र जगहों को ओरायन कॉन्स्टिलेशन के मुताबिक इतना सटीक कैसे बनाया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें दूसरी दुनिया से आए मेहमानों से मदद मिली हो? कुछ रिसर्चर्स का तो यही मानना है। होपी पौराणिक कथाओं की माने तो जन्म देने वाले ईश्वर मसाऊ उन्हें सदियों से निर्देश देते आ रहे हैं। तभी तो वो यहाँ इन तीन मेसास तक पहुँचे हैं, वो जगह जहाँ मसाऊ ने उनके वापस आने तक रुकने के लिए कहा है। ईश्वर मसाओ वहाँ शुरुआत से ही थे, होपी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये ईश्वर थोड़े भयानक दिखते थे। इनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें थीं और एक बड़ा गोल मुंह और एक बड़े बल्ब जैसा सर था। इन्होंने ही होपी को खेती बाड़ी के तरीके सिखाए। ये अक्सर अपने खास असिस्टेंट के साथ दिखते हैं, ठीक कॉन्स्टिलेशन ओरायन की तरह। मसाओ ने अपने लोगों को कहां गांव बनाने हैं, और इस बात की भी कहानियां हैं जिनमें होपी को कुछ तारों के मुताबिक चलना पड़ता था। जैसे मानिए एक तारा आसमान में चलकर कहीं रुक जाता है, तो इस हिसाब से वहीं पर होपी को रुककर अपने गांव बनाने पड़ते थे। और ये तो ऐसा लगता है कि मानो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज रही होगी जो होपी को रेगिस्तान में जगह दिखा रही होगी। ये है वो फजादा ब्यूट जहां होपी की पौराणिक कथाओं के मुताबिक उनके ईश्वर मसाऊ आसमान से आए थे। रात में दरअसल ओरायन कॉन्स्टेलेशन ठीक इस ब्यूट के ऊपर रहता है, और एक कहानी के मुताबिक मसाऊ ठीक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरते थे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर यहां धरती पर आया था
और उसने इस ब्यूट पर लैंड किया था शायद अपने किसी यान में? और जवाब है हाँ, कोई शख्स या कोई चीज आसमान से जरूर आई थी यहाँ। क्या होपी के जिंदगी देने वाले ईश्वर मसाऊ दरअसल ओरायन से आए एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रैवलर थे जैसा प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट दावा करते हैं? और अगर ऐसा था तो इस ईश्वर ने होपी को साउथ वेस्ट में एक कॉन्स्टिलेशन के पैटर्न में बसने को क्यों कहा? क्या ये महज एक इत्तफाक है कि होपी ने अपने शहर और के पैटर्न में बनाए ठीक वैसे जैसे एंसेंट इजिप्शियन ने बनाए? मुझे ऐसा नहीं लगता, ये एक साफ और पक्का सबूत है कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया। होपी लोग अपने तारों वाले पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। वो पूर्वज जो कॉन्स्टिलेशन ओरायन से आए थे और जिन्होंने उन्हें इन कॉन्स्टिलेशन की जानकारी दी और उस जगह के बारे में बताया जहां से भी वो आए हैं, और इसीलिए उन्होंने एरिजोना डेजर्ट के लिए एक पैटर्न बनाया। ये एक तरह से उनका एक तरीका था जिनसे होपी अपने ओरायन से आए खगोलीय पूर्वजों की याद में कुछ कर सकें। होपीज ये कहना चाह रहे थे कि जब भी शुरुआत होती है, जब एक जीवन काल पूरा होता है, मसाऊ उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ये जीवन काल पूरा होने वाला है, और इस तरह वो उन्हें तबाही से बचाते हैं। और ये महसूस किया गया है ये ईश्वर कहीं ना कहीं से ओरायन से जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ तभी अपने बातों को सामने रख पाते हैं जब जमीनी नक्शा ओरायन बेल्ट से मेल खाता है। तो अभी वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि मसाऊ जरूर वापस आएंगे। क्या ये मुमकिन है जैसा प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि होपी की जन्म देने वाले ईश्वर मसाऊ की पौराणिक कथाएं ओरायन से आए हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पूर्वजों के बारे में और सबूत दे सकती है? और अगर ऐसा है तो क्या होपी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया के ईश्वर धरती पर लौट रहे हैं इस कॉन्स्टिलेशन से मेल खाती जगह पर, या इससे भी कोई बड़ी वजह है जो इनके इलाके ओरायन के तारों की तरफ इशारा कर रहे हैं? शायद ऐसी वजह जो मानव जाति को उसके खगोलीय जन्म स्थल तक ले जाए। गीजा, टियोटिहुआकान, नाप्टा प्लाया, ब्लैक मेसा, ये प्राचीन स्मारक जो सभी ओरायन के तारों की तरह ही है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें हमारी खगोलीय शुरुआत के सबूत देते हैं या इशारा करते हैं मानव जाति के इस कॉन्स्टिलेशन से और भी गहरे नाते की ओर। तो ऐसा क्यों है कि हमारे धरती की सभी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइंस इस कॉन्स्टिलेशन ओरायन से मेल खाती है? मैं इसे कोई संयोग नहीं कहूंगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या हमारे पूर्वज के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, या उस वक्त किसी ने हमारे पूर्वजों के लिए नक्शा बना कर दिया था, या उन्हें ये साइंस दिया गया था और उन्होंने इसे संभाल कर रखा और तब तक उसे संभालने की कोशिश में लगे रहे जब तक वो गायब नहीं हो गई? जब आप इन ओरायन से मिलती जुलती चीजों को देखते हैं, कोरिलेशंस, गीजा के पिरामिड, माया सभ्यता की बातें, तो जो बात सामने आती है वो ये है कि हम सब ओरायन से आए, वहीं से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आए थे, और अगर हमें ओरायन जाने का मौका मिले तो हो सकता है हमें वहां एक ऐसा ग्रह मिले जो हूबहू पृथ्वी की तरह हो। क्या ये मुमकिन है जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट दावा करते हैं कि ओरायन कॉन्स्टिलेशन में हमारी ही तरह एक और ग्रह हो? और अगर ऐसा है तो वहां क्या, या ये कहिए कौन बसता होगा? अगर हमें ओरायन कॉन्स्टिलेशन में जाने का मौका मिला या उन तारों में जाने का जिनसे ओरायन बना है, खासकर ओरायन नेबुला स्टार फॉर्मिंग रीजन में, तो हमें वहाँ गैलेक्सी का वो हिस्सा मिलेगा जो कुछ हद तक हमारी ही तरह है पर ज्यादा एक्टिव है। हो सकता है वहाँ ज्यादा तारे और ग्रह भी हो। यहाँ पर अलग अलग मत हो सकते हैं क्योंकि वहाँ अब तक कोई नहीं गया है, इसलिए मेरा तो ये मानना है कि इस तरह का जीवन कहीं और भी हो सकता है।
या फिर हो सकता है असली जीवन क्या है, ये अब तक हमें भी नहीं पता। अगर हम गैलेक्सी में कहीं और जीवन ढूंढते हैं तो मेरे ख्याल से हमें ओरियन से ही शुरुआत करनी चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी ओरायन तक पहुंचने में कई हजार साल लग जाएंगे, पर हो सकता है इसका कोई और बेमिसाल तरीका हो, शायद जो उसी दूसरी दुनिया का हो जो इस अविश्वसनीय यात्रा को एक जीवन चक्र में मुमकिन कर पाए। सन 1935 में अपनी अभूतपूर्व स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 30 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कोलैबोरेटिव पेपर जारी किया जिसे आइंस्टाइन रोसन ब्रिज नाम दिया। इस थ्योरी के मुताबिक ब्रिजेस या कहिए ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो एक तरह से स्पेस और टाइम के लिए शॉर्टकट्स हैं। आज के फिजिसिस्ट उन्हें वॉर्म होल्स कहते हैं। ओरायन यहां से 1500 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। अगर हम किसी तरह वॉर्म होल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाए तो हम ट्रैवलिंग टाइम को काफी कम कर सकते हैं या हम तुरंत कहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि वॉर्म होल्स कैसे काम कर सकते हैं, थ्योरी को डेवलप किया जा रहा है। फिजिक्स में जितनी भी चीजें थ्योरेटिकली मुमकिन है, लगभग वो सभी यूनिवर्स में मौजूद है। तो मुझे लगता है वॉर्म होल्स कहीं तो मौजूद है, पर पृथ्वी के पास बिल्कुल नहीं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हो सकता है वो एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव यहाँ आए हों, पर किसी स्पेसक्राफ्ट में नहीं बल्कि एक इंटरडाइमेंशनल स्पेस टाइम पोर्टल के जरिए। अगर ऐसा था तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि इजिप्शियन फराओस सच में अपने पिरामिड से ओरायन तक का सफर तय करते थे, और क्या हमारे लिए कोई रास्ता है उस दूसरी दुनिया के रहस्य को जानने का और अपने खगोलीय जन्म स्थान जाने का। और ये भी हो सकता है कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन मानव जाति का आखिरी पड़ाव हो। उन तमाम प्राचीन सभ्यताओं के लिए ओरायन काफी महत्वपूर्ण रहा है। हम जानते हैं कि वो इसे जीवन की शुरुआत समझते थे। हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन इजिप्शियन ने इसका इस्तेमाल मौत के बाद की जीवन के लिए किया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके लिए शुरुआत के साथ जीवन के अंत की भी जगह थी। उनका मानना था कि ये वो जगह है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हम सभी को जाना है। मुझे लगता है कि पौराणिक कथाओं में ओरायन का बार बार जिक्र होना जमीन में ओरायन से मेल खाती जगह इस ओर इशारा करती हैं कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव जो ओरायन से आए थे बीते वक्त में कई सभ्यताओं के दौरान आए और उन्हें सीख दी और ये तमाम चीजें सबूत की तौर पर छोड़कर चले गए। हजारों साल पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव मौजूद थे, ये हमें अपनी परंपराओं से पता चलता है। और उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने यहां से जाने से पहले हमारे पूर्वजों से कहा कि हम वापस जरूर लौटेंगे। इंसान इस रहस्य को कभी समझ नहीं पाएगा, वो आसमान में बस देखता रहेगा, उसे बस चमकते तारे नजर आएंगे जो कहीं गहरे हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, और उन्हें लगता है ये वो स्वर्ग है, ईश्वर इसी स्वर्ग में रहते हैं, जो एक दिन जरूर वापस आएंगे। ओरायन के बारे में हर सभ्यता के दावे क्या सिर्फ कहानी मात्र है या फिर वो ऐतिहासिक सबूत उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की जो इतिहास में हमारी धरती पर आए थे, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि ओरायन के तारे ना सिर्फ जिंदगी की शुरुआत बल्कि जीवन चक्र के आखिरी पड़ाव हों? अगर ऐसा है तो हम वहां कैसे जाएंगे, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या या कौन मिलेगा हमें वहां? उम्मीद करते हैं ओरायन का ये रहस्य एक दिन जरूर खुलेगा, जब पता चलेगा हमें अपने अंदर का खगोलीय राज।